तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय CYU13 ब्लॉग में स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे हैं मुंबई के खार वेस्ट इलाके में। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं 80 दशक के सुपरस्टार कहे जाने वाले जैकी श्रॉफ एंड उनके बेटे टाइगर श्रॉफ जी का घर। तो लास्ट तक बनी रहिएगा इस ब्लॉग में, हम उनके घर के बारे में एंड उनका बायोग्राफी और उनका घर अंदर से किस टाइप का दिखता है, कैसा है और मुंबई में कहाँ है, हम सब कवर करके आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा आप इस ब्लॉग में। मेरे इस चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्त, अब हम आ चुके हैं उनके घर के सामने। जो आप ये आलीशान बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में टाइगर श्रॉफ और जैकी दादा रहते हैं। तो आइए चलिए आपको इस बिल्डिंग का आगे से अच्छे से घर का मेन गेट और उनका बिल्डिंग दिखाते हैं। साथ में हम आपको इनका घर अंदर से कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इनका इस बिल्डिंग का नाम है रुस्तम जी पैरामाउंट, जहाँ पर हार्दिक पांडे और उनके भाई कुणाल पांडे भी रहते हैं और नूरा फतेही भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। लेकिन हमारे जैकी दादा और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी रहते हैं। जो आप ये गेट देख रहे हो, यही बिल्डिंग का मेन गेट है, जहाँ से सबका आना जाना रहता है। ये बिल्डिंग दिखने में जितना आलीशान और सुंदर लग रहा है, उससे कई गुना सुंदर है अंदर से। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है जहाँ से उनको पूरा सी फेसिंग का नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये बिल्डिंग में दो गेट है, आने का एक गेट और जाने का दूसरा गेट। तो चलिए दोस्तों, उनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जय किशन काकू भाई श्रॉफ है और उनके पिता का नाम काकू भाई श्रॉफ, माता का नाम रीता श्रॉफ है। ये मुंबई के बालकेश्वर इलाके में 3 बत्ती चाल में रहते थे, जहां 30 लोग रहते थे, उसमें केवल 7 घर थे। इनके 7 घर में मात्र 3 बाथरूम था। स्कूल की फीस भरने के लिए उनकी माँ बर्तन और साड़ियाँ बेचा करती थी। तो आप लोग देख सकते हो, आज के टाइम में जैकी दादा ये आलीशान घर में रहते हैं। जैकी दादा का इनका इस घर का प्राइस लगभग 31 करोड़ रुपया है। जैकी श्रॉफ देव आनंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका उनको मिली थी, लेकिन 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घाई ने उनको एक फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान किया था, जिसमें ये लीड रोल में थे, जहां से उनको एक नई पहचान मिला। तो यही आलीशान बिल्डिंग में ये 9वां फ्लोर में और 21 फ्लोर में जैकी श्रॉफ अपने बेटे टाइगर श्रॉफ, बेटी कृष्णा श्रॉफ और अपनी पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ यही घर में रहते हैं। 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त के साथ शादी कर लिया था। आयशा दत्त शादी के बाद एक फिल्म निर्देशक भी बनी। ये दोनों जैकी श्रॉफ इंटरटेनमेंट नामक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं और इनका सोनी टीवी में 10% का शेयर भी था, जिन्हें इन्होंने 2012 में बेच दिया था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम है टाइगर श्रॉफ और बेटी का नाम है कृष्णा श्रॉफ। तो चलिए आपको उनके घर का अंदर का भी कुछ वीडियो दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है और कैसे इन्होंने अपने घर को सजा के रखा है।
तो इस घर में हर किस्म की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो दोस्तों, जेकी दादा और टाइगर श्रॉफ का ये घर मुंबई के सबसे महंगे और पोश इलाके में खार वेस्ट में रुस्तम जी पैरामाउंट में स्थित है। इस बिल्डिंग में 1 BHK अपार्टमेंट से लेके 8 BHK अपार्टमेंट है। टाइगर श्रॉफ ने इस बिल्डिंग में 8 BHK अपार्टमेंट खरीदा है, जहां वो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहते हैं। इस घर में तमाम सुविधा मौजूद है। इस घर की खास बात यह है कि उनको अपने घर से पूरा अच्छे से सी फेसिंग का नज़ारा मिलता है। इससे पहले ये श्रॉफ परिवार काटा रोड में एक बिल्डिंग में रेंट में रहते थे। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि हर विंडो में बड़े बड़े कांच लगाया गया है। बड़े बड़े कांच के विंडो लगा के पूरे बिल्डिंग को एक अच्छा और सुंदर लुक दिया गया है। इस बिल्डिंग में सब ने अपने विंडो में काफ़ी सारी ग्रीनरी लगाकर अपने घरों को एकदम हरियाली और सुंदर बनाया है। तो आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को कितना अच्छे से और आलीशान बनाया गया है। अगर टाइगर श्रॉफ की नेटवर्थ की बात करें तो उनका टोटल नेटवर्थ 95 करोड़ है, और वो 2015 में 22 करोड़ का घर खरीदा था मुंबई में। उनके पास देखा जाए तो कई सारी महंगी गाड़ियां भी है, जैसे कि रेंज रोवर, मर्सिडीज़, वॉडी, BMW जैसी कई महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। टाइगर श्रॉफ एक ऐड के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और फिल्म के लिए 11 करोड़ लेते हैं। सालाना वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। वहीं पर उनके पिता जेकी श्रॉफ की बात करें तो उनका नेटवर्थ करीब 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनके पास भी कई सारी लग्जरियस कारें हैं, जैसे कि BMW, इनोवा, टोयोटा इनोवा, जैगुआर, BMW 5 सीरीज, कई अन्य कारें भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं पूरे बिल्डिंग को कितने अच्छे से लुक दिया गया है। साथ में इस बिल्डिंग में कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। जेकी श्रॉफ का एक पनवेल में भी आलीशान फार्म हाउस है, जहां पर अभी जेकी श्रॉफ कम जाया करते हैं। जेकी श्रॉफ अब इसी 8 BHK के घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस घर से उनको पूरा अरब सागर का अच्छे से व्यू मिलता है। तो दोस्तों, हमने आपको इनके घर का अंदर का और बाहर का वीडियो आपको दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर।